चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह आपको लेके चलती हूँ। शायद आप में से कई लोगों ने देखी नहीं होगी, और अगर देखी भी होगी तो बहुत कम देखी होगी। मैं भी आज जा रही हूँ पहली बार। एक्चुअली ये इवेंट एक बार और ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन तब मैं नहीं जा पाई थी, और अब जब जा रही हूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। गेस करिए मैं कहाँ आपको ले जा सकती हूँ, ज़रा सोच कर कमेंट में लिखिए। तब तक मैं आपको लेके चलती हूँ, हिंट एक दे देती हूँ। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे साथ ये कुछ और लोग भी जा रहे हैं, इन्हें देखिए। बस ये सब मेरे साथ सीट पर बैठ करके जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, जब तक आप सोचेंगे तब तक मैं पहुंचती हूँ, और तब तक आप गेस करिए। चलिए गेम खेलते हैं। तो पहुंचती हूँ बहुत जल्दी। ये पहुंच गए हम अपने सामान के साथ बाहर, अब अंदर जाके पता चलेगा कहाँ पहुंच रहे हैं। अभी आ गए हम फार्मर्स मार्केट में, और यहाँ पर प्लांट्स वर्क ऑर्गेनाइज किया है रतिका ने और निखिल ने। इतनी यंग जनरेशन ऐसा काम कर रही है, इन्होंने पूरे जयपुर में लोगों को जगाया है कि अपने एक्स्ट्रा प्लांट्स लाइए, यहाँ एक्सचेंज कीजिए। बेस्ट पार्ट है कि बाय एंड सेल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज होगा। तो ये आइडिया कैसे आया, आप इन्हीं से पूछते हैं। रतिका बताओ कैसे आया ये आइडिया। बेसिकली मैंने पहले दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर साइड में होते हुए देखा था, एंड इवन अब्रॉड फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा होता है ये, एंड जयपुर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सो आई थॉट किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, सो दैट्स हाउ मैंने स्टार्ट किया। तो यह आइडिया था कोविड से पहले करने का, बट देन कोविड आ गया, फिर 2 साल का डीले हो गया। तो हमने पहला इसका किया था लाइक दिसंबर, जो लास्ट दिसंबर गया। तो ये दूसरा इवेंट हो रहा है जो इन्होंने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें साथ दे रहे हैं निखिल, जो कि एक पौधा एनजीओ है, उसको चलाते। तो निखिल, ये पौधा क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी बताओ। सो आई रिमेम्बर बैक इन 2016 और 17, जब शायद मैं मेरे ऑलमोस्ट सीए फाइनल्स में था, सो एट दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज प्लानिंग कि यार मैं व्हाई आई कांट डू समथिंग, मुझे लगता था कि मुझे करना है। आई ऑलवेज फील आई फेल्ट सो कनेक्टेड विद नेचर। आई स्टार्टेड विद माय फ्रेंड्स, माय कजिन्स, सबके घर जाकर मैंने पेड़ लगाए। फिर बाई 2018 आई रियलाइज कि इट शुड बी अ नेम, दिस इंटायर थीम इट शुड हैव अ नेम। सो आई थॉट कि पौधा से अच्छा क्या नाम हो सकता है। भी है। और एक अच्छे से देखिए ये बना लिया इसने, ऐसी ये देखिए पौधा और ये टी शर्ट बना ली है। अभी इसने मुझे एक बॉटल भी गिफ्ट किया, उसमें भी पौधा लिखा हुआ है। yes. तो उसमें मैं उगाने वाली हूँ कुछ ना कुछ वाटर प्लांट्स। थैंक यू फॉर दैट। इवन जो इनका बैनर है वो भी कपड़े पर है। सो आई रियली लाइक दैट, क्योंकि मतलब जो मेरा पेज है रूटेड इंडिया, उसमें भी लाइक सस्टेनेबिलिटी, योगा, मैं योगा टीचर हूँ। ओह, ये सब छुपे रुस्तम है, ये योगा टीचर है और ये फोटोग्राफर है, सीए कर चुके हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि यंग जनरेशन में भी ये चीज आ रही है। तो आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू फॉर यू, थैंक यू सो ग्रेटफुल। मैं ये बोलना चाहूंगी, आई हैव बीन फॉलोइंग यू, सच में मैं आपके वीडियोस देखती थी, और मुझे नहीं पता था मतलब कैसा होता था कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कभी कभी। तो मैंने आपको फर्स्ट बार में रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट देन आपने बोला कि जो मेरा अमलान बाग यूट्यूब पेज है, सो आई वाज लाइक आई नो यू, तो फैन मोमेंट। अब आपको दिखाती हूँ नीचे क्या क्या चल रहा है। ले लो जो लेना है ले लो। Yes.
आ गई मैं वापस और बहुत मजा आया, बहुत लोग थे, बहुत अपने जैसे ही लोगों से मिलने में ना बहुत मजा आता है। और मैंने सारे पौधे बांट दिए और बदले में मुझे ये 3 बीज मिले हैं। एक मुझे मिला है अपराजिता पिंक कलर का, मेरे पास पर्पल था, पिंक नहीं था, और मॉर्निंग ग्लोरी का येलो कलर भी मेरे पास नहीं था। तो ये कुछ बीज मुझे मिल गए हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मिली, बहुत मजा आया। अपने सिटी में भी ऐसा ही कुछ ऑर्गेनाइज करिए तो आपको भी बहुत मजा आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।